वन्य जीव तस्कर गैंग गिरफ्तार। रिपोर्ट अमीन अहमद, बिजनौर। वर्षों पहले विलुप्त हुई प्रजाति के वन्य जीव पेंगोलिन की तस्करी करने वाले गैंग का बिजनौर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने पेंगोलिन नामक प्रजाति के एक वन्य जीव को बरामद किया है। गैंग में 15 लोग शामिल है, सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गैंग में एक बिहार का रहने वाला एसटीएफ का जवान भी है, जो एक महीने की छुट्टी पर आया हुआ था। फिलहाल पुलिस ने तस्करी करने वाले गैंग के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि बिजनौर के नगीना देहात थाना क्षेत्र के टांडा मायदास इलाके में वन्य जीव तस्कर गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो घने जंगलों से पेंगोलिन नामक प्रजाति के एक जीव को तस्करी के लिए पकड़ा गया था। मुखबिर की सूचना पर बिजनौर स्वॉट टीम व स्थानीय पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में तस्करी करने वाली पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से पेंगोलिन नाम जीव को बरामद किया है। एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पेंगोलिन बहुत वर्षों पहले विलुप्त हुई प्रजाति का एक जीव है, जो विदेश में लगभग 4 करोड़ की कीमत में बेचा जाता है। विदेशी लोग कई बीमारियों के लिए इसकी दवाई सप्लाई करते हैं। तस्करी करने वाली गैंग में एक बिहार का रहने वाला एसटीएफ का जवान भी है, जो एक महीने की छुट्टी पर आया हुआ था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। बाय धर्मवीर सिंह, एसपी बिजनौर। बिजनौर जनपद के नगीना देहात पुलिस एवं स्वाट पुलिस ने एक प्रतिबंधित वन्य जीव पेंगोलिन को पकड़ा है। इसके साथ में 15 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। इन 15 तस्कर में से बिहार और हरियाणा के भी हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। एक इसमें से एसटीएफ का सिपाही बताया जा रहा है, जो बिहार का रहने वाला है, एक महीने छुट्टी पर था, वो भी इस गैंग में शामिल था। तस्करी करते हैं, तस्करी की कीमत जब विदेश में भेजते हैं तो बताते हैं 3 से 4 करोड़ तक रुपए में इसकी तस्करी होती है। ये लुप्त प्रजाति है, लुप्त होने के कगार पर है। इसकी लोग अनेक उद्देश्यों से तस्करी करते हैं। डीएफओ एवं यहाँ के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है, मुजरिमों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, और उसके लिए डीएफओ द्वारा